albatross. आपको मिलवाने जा रहा हूँ बनारस की शान, जो बनारस में पतंग बनाते हैं और काफ़ी उम्र दराज हैं और काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस है उनको पतंग बनाते हुए, काफ़ी साल हो चुके हैं। आइए मैं उनको डायरेक्ट कवर करता हूँ। जिनका नाम है ये रहे हमारे बनारस के शंकर चाचा, जिन्हें लोग शंकर चाचा के नाम से जानते हैं, जो पतंग बनाते हैं और काफ़ी अच्छी पतंग बनाते हैं, जिनसे मैं अपने वीडियो में इनकी बहुत सी पतंग दिखाया हूँ और इनकी पतंग काफ़ी जगह जाती भी है इनकी पतंग। और आइए मैं शंकर चाचा से बात करता हूँ उनका नॉर्मल। शंकर चाचा, आपको तो लोग शंकर चाचा के नाम से जानते हैं, लेकिन आपका पूरा नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम है राम शंकर वर्मा। अच्छा, देखिए दोस्तों, शंकर चाचा का पूरा नाम है राम शंकर वर्मा। अच्छा शंकर चाचा, आप पतंग कितने साल से बना रहे हैं? 60 साल। 60 साल से? और कुछ जैसे 60 साल से पतंग बना रहे हैं। हमारे गुरु जो थे, जिनके उस्ताद उस्ताद वह बनारस जगमबाड़ी गुदौलिया के थे जी, जिनके यहाँ सोने चांदी का काम होता था जी। तो वहाँ पर मैं बैठता था, बैठकर पतंग देखता था। एक दिन उस्ताद बोले जी, पतंग जो है तुम देखते हो बैठते हो जी। हमने कहा हमको बड़ा शौक है जी। तो कहेंगे सीखोगे? हमने कहा हाँ सीखेंगे जी। उनके यहाँ हम जी 10 साल तक जी बैठे जी। कहाँ इसमें है, चलिए आप बोलिए। 10 साल तक वहाँ पर हम बैठे जी। 10 साल तक बैठे तो ये लोग रोज जो है शाम को जो है, मैं सोने चांदी का मैं भी कारीगर हूँ जी। जब अपनी दुकान बंद करके आता था तो 8 बजे इनके उस्ताद के पास बैठते थे 12 बजे रात तक, 4 घंटा जी। अब बैठने के बाद पतंग देखते थे जी। इसके बाद जो है 10 साल पर हम बैठे जी। पतंग बनाना हम 1 महीने में सीखे हैं जी। लेकिन बैठ कर देखते थे ऐसा है। अभी उस्ताद लोग पतंग लड़ाने भी जाते थे जी, तो हम भी जाते थे जी। चरखे वगैरह टेकते थे जी, पतंग लूट भी लेते थे जी। तो इसके बाद धीरे धीरे घर पर हम बनाने लगे जी। बनाते बनाते टेढ़ा सोजा बनने लगा। उस्ताद को दिखाया, बोले उसको ऐसे छिलो ऐसे बनाओ जी। बनाते बनाते फिर बनाने लगे जी। फिर हम जो है मझोली से शुरू किया, अधी पौन तावा से जो है 42 इंची कमानी का बड़ी पतंग, इतनी बड़ी बड़ी बनाना शुरू किया जी। मार्केट में हमने दिया जी। त्योहार खिचड़ी के मौके पर हमने काफी पतंग जो है लोगों को देते थे, बनाते थे। धीरे धीरे जो है मतलब हमारा नाम होने लगा। नाम होने लगा तो देश देशांतर, इलाहाबाद, लखनऊ, हर जगह पतंग जो है, हालांकि हर जगह से तो पतंग आती है, लेकिन हमारा भी पतंग लोग वहाँ पर जी जाते थे जी। कलकत्ता गई है पतंग हमारा जी। यहाँ से जो है टीम लड़ाने जाती होती थी जी, तो यहाँ से पतंग 200-300 ले जाते थे, तो हमारा सब वहाँ कलकत्ते वाले निकाल लेते थे। अरे भाई शंकर दादा का पतंग दे दो जी, जो पैसा है हम दे देंगे जी। तो वो लोग खाली होकर फिर बनारस चले आते। अच्छा, इस तरह हमारा धीरे धीरे बहुत जो है मतलब नाम हुआ जी। तो शंकर चाचा जी, हाँ जी बोलिए। मैं अगला क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ, आप कौन कौन सी पतंग बनाते हैं और किस टाइप की पतंग बनाते हैं, मतलब और कुछ फॉर्म के बारे में बताइएगा। पतंग सिर्फ पौन तावा बनाते हैं जी, इस तरह? नहीं, हमेशा से पौन तावा ही सीखे हैं, पौन तावा बनाते थे। हालांकि छोटी गुड्डी बनाना तो हम लोगों के लिए मामूली काम है जी। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है अभी उद्धि भी थोड़ा बनाने लगे, लड़के लगे करने, पौन तावा का कमानी हल्का रहता उसको काट के अति बना जी जी। और सिर्फ खिचड़ी पर जो हमारे रिश्तेदार होते हैं जी, उनके लिए हमको 500 पतंग हर साल बनाना पड़ता है। आपने बताया था, और हमने किसी का नहीं बनाते जो मझोली पतंग। हाँ, मझोली हम बनाते ही नहीं, सिर्फ पौन तावा बनाते हैं। यहाँ बनारस के लड़के सब, दिक्कत ये भी कि छत से कहते पौन तावा लॉन्ग रेंज पे लड़ती है, पौन तावा लंबी दूरी पे लड़ती है, छत से 200-300 मीटर का पेची होता है छत से। हमारी पौन तावा जो है 500 के अंदर अगर लड़ेगी तो वह वैसा काम नहीं करेगा। जब यह 1,000-1,500 मीटर जाएगा आगे, तब वो अपना जो है काम दिखाएगा खिलाड़ी जी। पतंग हमेशा जो है बराबर जो है हर वक्त जो है ऐसे ऐसे जो है चलती रहती है, इशारा करिए जाएगा। आपको ऐसे ले जाना है तो ऐसे जाएगी पतंग, ऐसा नहीं कि एक चक्कर ऐसे करके और घूम जाए, ऐसा नहीं होता जी। तो उस तरह का कमानी डंडा हम चढ़ाते हैं, बनाते हैं जी। तो शंकर जी, आपने कुछ पतंग के फर्मे कुछ दिखाएंगे हमें, कुछ फर्मा है जो फर्मा दिखाया, कुछ फर्मे की खासियत वगैरह कुछ बताएंगे? ये
फरमा एक है पौनतावा का, ये थोड़ा सा लंबा है, लंबे फरमे में। और देखिए ये फरमा है जी, तो ये थोड़ा जो है गोल टाइप का है ये। अच्छा, हाँ, तो ये बना इस फरमे कुछ खासियत बताए कि वही कुछ में? खासियत नहीं, बस इसकी कमानी वगैरह जो है बैठाना है, और किसी किसी का यहाँ बैठता है। अच्छा, किसी का यहाँ बैठता है। अच्छा जी, अगर ये जितना नीचे कमानी बैठेगा जी, उतना ही जो है नजदीक की लड़ाई होगी। अच्छा, अगर यहाँ पर कमानी बैठता है, अगर हम सोचे 500 को ऊपर जाए तो यह पतंग काम नहीं करेगा। अच्छा, हाँ, जहाँ यह ऊपर आया अच्छा, 1500 मीटर तक जो है पतंग, अच्छा, 1000 के पार जो है तब यह दिखाएगा। अच्छा अच्छा, कमानी डंडा देखने में तो हल्की रहेगी, लेकिन जितनी दूर पतंग जाएगी जी, वह जो है मतलब कि भारी होता जाएगा, जानदार होता जाएगा, चाल पे चलेगी पतंग। और तागे पर तो पतंग जो है मतलब कि बहुत सी पतंग टूट कर चली जाती है। अच्छा, अब इस समय जो है चाइना चल रहा है, तो चाइना चल रहा है तो बहुत से लोग इधर उधर चाइना लड़ाते हैं, लेकिन चाइना के लिए जो है बहुत जो है परेशानी है, मनाही है, पुलिस मना करती है, लोगों का गर्दन पकड़ जाता है, इसलिए हम किसी को राय नहीं देते कि जो है मतलब कि चाइना मंझा आप लोग लगाइए या बनाइए उसको। अच्छा, दो आपका ये दोनों फर्मे हैं, तो इस दोनों फर्मे की मतलब कुछ जैसे लंबे फर्मे क्या खासियत आपके है? लंबे फर्मे ऐसा है कि लंबे पंगे जैसे यह लंबा है जी, तो इसका कन्ना जो है बहुत लोग जो है यहाँ बांधते हैं, इसकी कन्ना जो है थोड़ा सा ऊपर बनाता है, जो गोल गोल काट की है उसकी कन्ना थोड़ा और नीचे बनाएगा जी। हाँ, तो ये यहाँ थोड़ा ऊपर बनाएगा तो ये बढ़िया काम करेगा, चक्कर देगा। अच्छा, और कन्ना बांधने में सबसे बहुत बड़ी कारीगरी है जी। कन्ना से ही जो है पतंग कैसा चलता है कन्ना जो है बताता है जी। सभी लोगों को कन्ना बांधने भी नहीं आता है जी। और जैसे शंकर जी, आप एक पतंग हमें जो बना के दिए थे, एक बड़े पत्ते की पतंग, पौनी एक बना के दिए थे, पौन तवा हमें बड़े पत्ते की पतंग बना के दिए थे, तो उस पतंग के बारे में कुछ बताएंगे, उसकी खासियत कुछ? बड़ा पत्ता में ये लोगों का जो है डिजाइन, जिस तरह नाव का पतवार होता है जी, नावे जो चलती है उसकी पतवार होता है, तो पीछे पकड़े जाते हैं तो उसको ऐसे घुमाएंगे ऐसे, इसी तरह यह पतंग जो बना है, ये पूंछ लगा है, ये हवा काटती है जी। हाँ, तो बड़ा छोटा का कोई ऐसा बात है, बहुत लोग छोटा भी लगाते हैं, बहुत लोग बड़ा भी लगाते हैं, एक शौक की बात है जी, कि भाई हमारा बड़े पत्ता होगा या इतने बड़े बड़े जो है पोछ का बनेगा जी। तो उस तरह हम लोग पतंग में हमने खासियत देखा है, वो बताएंगे क्या खासियत अभी पतंग की? खासियत जी, अपने पतंग की खासियत क्या आपके पतंग की? हमारे खासियत ये है कि देखिए, ये जो बॉल जो जुटा हुआ है जी, मैं ऐसा ले ही लगाता हूँ कि यह कहीं से खुलेगा नहीं, और लोगों का खुल भी जाता है, पतंग आके जाके बिगड़ जाता है, यह मेरा जो है छूटेगा नहीं है, एकदम चिपका हुआ है जी। हाँ, तो इसमें यदि पतंग है, ये पौनतावा पतंग है। हाँ, ये पौनतावा पतंग है, और उसकी देखिए ये कमानी है, ये इतना छीले है, उसके बाद जो है देखिए छील है दोस्तों, पतंग की कमानी डंडा है, देखिए ये डंडा है। अच्छा, ये हमने यहाँ पतला कर दिया जी, लेकिन पतला तो है, जो सोचेंगे कि यह टूट जाएगा, लेकिन इसमें बहुत जान है, ये काफी जो है मतलब जान है, और जो है डंडे कई मेल के छिलाते हैं जी, कुछ उसके बताएंगे डंडे के बारे में कुछ, कई मेल पे छिलाते हैं तो डंडे में ये है कि जैसे यहाँ पतला है, तो यहाँ पतला है तो इससे पतंग अच्छी उड़ेगी, इसकी चाल बढ़िया रहेगा, यह जिधर घुमाएंगे उधर यह घूमेगा जो है जी। हैं, अब देखिए ये हो गया, अब इसको इस तरह बनाया जाता है, देखो दोस्तों पतंग बना के दिखा रहे, ये देखिए दोस्तों, यहाँ दिखाइए नीचे, देखिए दोस्तों कैसे, अरे ये मुंह पर बस, देखिए दोस्तों देखिए, इसमें एक खासियत और है, बहुत बड़ी खासियत है, इस पर जब ले लगाने के बाद इसको जब चिकना किया जाता है, इसको जी, अगर इसको हम हाथ से अगर दबा कर देंगे हाँ, तो इसमें गांठे पड़ेगी, अच्छा, पतंग के अंदर सफाई नहीं आएगा जी, तो इसको हल्के हाथ से अच्छा इसको जो है चिपकाना पड़ता है जी।
देखिए ये हो गया जी, ये कमान रही दोस्तों, देखिए कमान भी सेट कर रहे हैं, देखिए दोस्तों कैसे सेट हो रही है, ये गोल फर्मे की है ना शंकर चाचा? हाँ देखिए यहाँ से मुड़ा है ये जी, देखिए दोस्तों कमान लेके सेट हो रही है, ये कमान कितनी इंच की है शंकर जी, इसमें लग रही पोनी में ये 34 35.5 3.5 ढड्ढा। अच्छा दोस्तों आप लोग हमेशा कहते थे कि शंकर चाचा का कवर कीजिए, शंकर चाचा कवर कीजिए, आज मैं शंकर ही चाचा को कवर करने आया हूँ, शंकर चाचा की बनारस की काइट की डॉक्यूमेंट्री बनाने आया हूँ। देखिए दोस्तों ये कमान देखिए दोस्तों सेट हो रही है कमान पतंग में, देखिए कैसे कमान देखिए सेट कर रहे हैं, देखिए दोस्तों कैसे मिला रहे, कितना बारीक का काम है ये, बहुत बारीक काम है ये, ध्यान वाला काम है, देखिए कटर देखिए काटते हुए इसको, देखिए छिलने भी, बहुत बारीक काम है दोस्तों, देखिए दोस्तों सेट होती है कमान। पतंग का सबसे मेन हिस्सा होता है कमान ही को सेट करना होता है, तो उसी से पतंग की चाल डिसाइड होती है, सेट कर रहे हैं दोस्तों। जब भी आप ये वीडियो देखें दोस्तों, बस यही रिक्वेस्ट दोस्तों, पूरा वीडियो दोस्तों देखें आप लोग, उसमें आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे इस वीडियो में। देखिए दोस्तों सेट हो रही है कमान, इसको कई बार छिलना पड़ेगा, मतलब जब तक सेट नहीं हो जाए, मतलब इधर का हो जाएगा दोनों साइड का सेम छिलाएगा, मतलब ये मतलब ध्यान देना पड़ेगा जी। नहीं माँ से डोरा लेता हुआ देखिए, ये हम यहाँ पर लात लगाएंगे, लात मतलब क्या होता है? पैर। अच्छा पैर लगाएंगे। अच्छा सबका कमान सेट करने का तरीका सबका अलग होता है दोस्तों, सबका अलग होता है, ये देखिए 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 दोस्तों ले ही है, कमान सेट करना दोस्तों सबका अलग अलग तरीका होता है, अपने सारे मेकर का तरीका अलग अलग होता है। देखिए दोस्तों कैसे सेट हो रहा है, कैसे हाथ से सेट कर रहे हैं हल्के हाथ से, ये कमानी थोड़ा हम टाइट चढ़ा रहे हैं। अच्छा हाँ टाइट है, थोड़ा ये परेशानी होता है टाइट में, कभी कभी ये छटकता भी है जी। यार दिखाइए
देखिए दोस्तों लेई लगा रहे हैं शंकर चाचा यहाँ पे, देखिए कैसे सेट कर रहे हैं। देखिए सेट होता हुआ दोस्तों, इसके बाद डोरी भी लपेटे जाएगा इसके ऊपर, ऐसे उठा रहे हैं। वाह टाइट पूरा, देखिए बहुत टाइट कमानी सेट किए हैं इसमें। दोस्तों देखिए कमाई, देखिए दोस्तों सेट हो गया पतंग में, देखिए दोस्तों पतंग में बतंग बना के दिखा दिए हैं, कमाई देखिए दोस्तों सेट हो गया पतंग में। अच्छा शंकर चाचा कितने लोग, कितने मेकर्स होते हैं जो देखिए चिप्पा लगा रहे पतंग में, चिप्पा देखिए सब इसमें रखा है, इसको क्या लगाना, इसको क्या बोलते हैं शंकर चाचा, यहाँ लगाते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको मत्था कहते हैं, अच्छा मत्था बोलते हैं, और नीचे छोरी कहते हैं, नीचे छोरी छोरी कहते हैं, इसलिए लगता है जी कि इस पर कन्ना बनाएगा। अच्छा शंकर जी तो एक चीज हमने देखा है, ये जो कमान में ये सेट हुई है, ये कितने ऊपर रहती कितने नीचे रहती, उसका क्या मतलब होता है, मतलब ये जो है ऊपर नीचे कम से कम 4 से 4.25 होना चाहिए, इंच नीचे, हाँ ये 4.25 है। अच्छा 4.25 से 4.25 जी, उससे क्या मतलब फायदा मिलने वाला घट अगर ये अगर मतलब कि 4 से ज्यादा रहेगा हाँ, तो ये चक्कर जो है बढ़िया नहीं चलेगा। अच्छा ये चक्कर चलेगा नहीं बढ़िया जी, हाँ ये थोड़ा ऊपर रहेगा 4 तक तो ये बढ़िया चलेगा चक्कर जी। इसको आपने क्या बोला था, क्या है? बोले ये छुरी 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 लगाते हुए, देखिए दोस्तों छुरी लगा रहे पतंग में, ये कैची से कागज काट रहे हैं, दोस्तों ये देखिए पतंग में छुरी लगा रहे हैं, देखिए ले ही सभी आप अपने लेई के जोड़ के बारे में कुछ बताएंगे, लेई के जोड़ के बारे में हमने एक चीज देखा है कि पतंग में फंगस नहीं लगता, भले से आप कितने भी नमी में रख दे पतंग आपकी लेई के जोड़ पे आपके, इधर दिखाइए यहाँ देखिए, इसको छुरी को अगर हम ऊपर करते जी तो इसमें दाग आता। अच्छा आए बात है। अच्छा अब ये साफ है जी, चीटी नहीं चला जी, ये देखिए तागा आओ, तागा ले आओ, तागा ये है, ये देखिए दोस्तों तागा रहा, जो उसे डोरी कैसे लगता है, देखिए दोस्तों आज पूरी एक काइट मेकिंग का पूरा वीडियो भी बन गया है पूरा, देख लीजिए कैसे इसमें धागा लग रहा है, धागा लगाने का नहीं पतंग बनाने का, पतंग बनाने का सही लगाने का जी, देखिए दोस्तों तागा लग रहा है पतंग में, आप हमारे हाथ के पास ना रोशनी दीजिएगा, जहाँ जहाँ हाथ जाएगा
देखिए दोस्तों तागा कैसे लग रहा है। इनका तागा लगाने का तरीका देखिए, सबका अलग अलग होता है तरीका। दोस्तों पहली बार YouTube पर आया है कि मैं शंकर जैसा कैसे पतंग बना रहे हैं, पतंग बनाते हुए लाइव वीडियो। देखिए दोस्तों ये तीन बार जो मैंने घुमाया ये धागे को, मैंने देखा आपने तीन बार घुमाया धागा। हाँ, इससे ये है कि इसमें मजबूती आ जाती है। अच्छा, बहुत से काइट्स मेकर मैंने देखा है घुमाते नहीं, डायरेक्ट लगा देते, घुमाते नहीं, एक बार लगाते हैं, अपनी अपनी आइडिया है। जी जी, ए दीपक देखो दोस्तों धागा कैसे लिपटा रहा है। ये नॉर्मल जो कपड़ा सिलने वाला वही धागा रहता है? ये धागा कोई भी रहे, पतला रहे धागा। अच्छा, चाहे जो लगाइए। हालांकि इसका धागे का ये है, इसको कच्चा धागा कहते हैं। कच्चा धागा कहते हैं। हाँ, तो ये बाजार से लेना पड़ता है। आजकल जो साड़ी बिना रहा है जी, उसमें से धागे निकलते हैं। हाँ हाँ, रेशम के लिए झार झार ये धागा लोग लगा देते, पैसा बन जाता है। जी। बहुत मेरे पतंग में एक खासियत और है जी, कि जिसको मैं पतंग देता हूँ जी, अगर इसकी कमानी टूट गई जी, तो उसके बदले में बताने पर हम एक पतंग देते हैं। अगर हमारी जोड़ खुल गई जी पतंग का जी, जैसे कहीं पतंग आगे लड़ रही है जी, जोड़ खुल गया जी, तो पतंग जो है मतलब कि खींच लीजिए। इसके बाद उसके बदले में हम दो पतंग देते हैं जी, यह मेरी गारंटी है जी। ऐसे जोड़ खुलता नहीं है मेरे पतंग का जी। ऐसा हम ले ही बढ़िया लगा देते हैं यहाँ दिखाइए मेरी उंगली के पास। हाँ यह आगे बढ़िए, धागा लपेट के आइए लगभग। देखिए लोग इस धागे को यहाँ तक लगाते हैं, मैं यह काट देता हूँ। देखो दोस्तों पतंग का तो चेप ही रखा हुआ चिपकाने के लिए।
ये अद्धि का है मटीरियल। अच्छा हाँ, और उनका सिक्सटी ईयर से दोस्तों पतंग बनाया शंकर चाचा, आपने सुना था, बताया था इन्होंने सिक्सटी ईयर से। शंकर चाचा की उम्र क्या पड़ेगी? तिरासी साल। देखिए दिखाइए यहाँ लाइट, इसको क्या बोलते हैं जो आप सेट कर रहे हैं आप इसे? इसको चिप्पी बोलते हैं। चिप्पी बोलते हैं बोल। देखिए तो चिप्पी लगा रही है। देखिए दोस्तों यही सभी पतला है इसका, फिर मोटा हुआ है। इसको बोलते हैं मुंडा। मुंडा मुद्दा लग रहा है पतंग का। ठीक देना गिराइए दोस्तों। देखिए इतनी पतंग पूरी बन गई है, पौनी पतंग। देखिए इसका ये है नाम, पूंछ का सीख लगाने का तरीका ये। अच्छा देखिए ये जो है ना, ये इतना होना चाहिए। बहुत लोग नीचे लगाएंगे, बहुत लोग ऊपर लगाएंगे। अच्छा बहुत तरीका जो है ना, सबका अलग अलग अपना। हाँ वो जो है हमारे समझ से। शंकर जी क्या अभी भी पतंग उड़ाते नहीं खिचड़ी वगैरह पे? मतलब मन कर गया तो पतंगबाजी हमें छोड़े हो गया 20 साल। 20 साल तो साल में मतलब जिस दिन खिचड़ी होती है उस दिन में नहीं कर लेते थोड़ी बहुत? नहीं नहीं, अब सब बच्चे वगैरह लड़ाते हैं। अच्छा अब शौक नहीं है जी। इस लकड़ी को क्या बोलते हैं आप लोग? सीख बोलते हैं। ये पत्ता इसको बोलते हैं? हाँ इसको पत्ता बोलिए, पोछ बोलिए। देखिए
दोस्तों पत्ता लग गया है, पत्ता एकदम सेट हो गया, बस पतंग हो गया रेडी बन के। ये पतंग की यहाँ खासियत होती है, पतंग ये चीज एकदम यहाँ दबा देते हैं। यहाँ नहीं, ये जो है थोड़ा गड्ढा छोटा हो गया। ये अच्छा, आप जाइए दिखाइए, यहाँ पर दिखाइए। हाँ, अब देखिए इसको अगर हम नहीं लगाएंगे अच्छा तो पतंग जब उड़ेगी हाँ, तो इधर से हवा निकलेगी। अच्छा, जिसकी वजह से फट हवा निकलेगी तो हो जाएगा कन्नी। अच्छा हाँ, इसलिए इसको लगा देते हैं, मजबूती भी आ जाता है जी। बहुत यूनिक स्टाइल है आपका पतंग बनाने का भी। हाँ, सबका अलग अलग है, जैसे उस्ताद बनाते रहे सिखा दिए उसी तरह हम भी बना रहे हैं, लेकिन पतंग है तो पतंग चाहे जिस तरह बना दीजिए। अब देखिए ये पतंग देखिए तैयार हो गया, देख रही है पतंग, ये गोल फर्मे की ना। हाँ, ये गोल फर्मे की है जी। अब इसको लोग जब लेंगे तो इसको इस तरह मोड़ेंगे और ऐसे देखेंगे कहाँ से। अभी देखिए सही आ गया। हाँ, ये बहुत जानदार पतंग है जी। हमको आशा है कि अगर ये डोरे पर अगर उड़ेगा तो हो सकता है यह तोड़ कर भाग जाएगा जी। हाँ, इसलिए इसका कन्ना लोग जरा सा ऊपर बांध देते हैं इसको कमजोरी के लिए, कमजोर हो जाएगा, ये टूटेगा नहीं। बहुत जानदार, लेकिन कन्ना बांधने का तरीका भी होता है कि वैसा कन्ना बांधे टूट जाए ना, ये भी होता है कन्ना बांधने का, लोगों का अपना अपना तरीका है जी। तो ये लोग सुविधा बड़े बने। अभी देखिए पतंग तैयार, जैसे ये सब है, ये अर्थी है, कुछ पतंग दिखाइए, कुछ हाँ कुछ पतंग दिखाइए। देखिए दोस्तों, मैं संकट बाहर निकाल एक पतंग दिखाइए। ये कौन सी पतंग आपकी है? पौनिया है, पौन तवा। ये देखिए, ये देखिए, ये पतंग, ये गोल फर्मे की लॉन्ग रेंज की सब पौनी है, सब है गोल। ये दिखा दीजिए, ये हाफ मांगदार वाली, ये देखिए अर्धी अर्धी है ना गोल फर्मे, ये अर्धी है, ये हाफ मांगदार, ये 15 अगस्त का बना रहा पतंग, ये पतंग इस पतंग, ये देखिए इसकी स्टाइल अलग है। हाँ, ये हाँ, ये देखिए डमरू में पतंग खड़ी है, डमरू ये इसका बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ है, कर्व है इसका अलग है। हाँ, तो हमारे यहाँ इस पतंग की खासियत क्या शंकर चाचा, ये पतंग की खासियत क्या, डमरू वाली पतंग है इस आपकी? अरे बहुत सारी, जैसे चक्कर लेता है हाँ हाँ, तो कुछ चक्कर जो है थोड़ा नीचे से ले लेगा, अच्छा तो कोई ऊपर से ले लेगा जी। दूसरी बात, ये सब पतंगों में चक्कर है जी, ऐसा नहीं है इसको अगर मतलब उड़ाएंगे हाँ, तो जब अगर आप चाहेंगे तो पतंग जो है खड़ी हो जाएगी ऐसे। अच्छा, अगर जब आप चाहेंगे जी चक्कर भी देगा जो जी। और दूसरी बात जो है, मतलब मान लीजिए ढील ऐसे चल रहा है जी, चलते चलते जो है पतंग जमीन पर आ गया है हाँ, उसी समय जो है मतलब इस पतंग को दो टाइट करके बांधना पड़ता है, तो वहाँ से जो है पतंग, दोनों पतंग है ऐसे हाँ, है? ये हमारा नीचे वाला है, ये ऊपर से डोर चल रहा है, अब नीचे जमीन पर गिर रहा है, अब इसको हमने यहाँ से बांधा हाँ, बांधा तो हमारी पतंग ऐसे उठेगी जी। अच्छा, जहाँ यहाँ आया हाँ, तो उसका कटा, अच्छा उसके नीचे चल जाएगा हाँ, आपकी तुरंत तुरंत कटेगा जी, क्योंकि इसमें ताकत आ जाएगी। तो और लोगों की पतंग जो बधाता नहीं है जी, बधाएगा नहीं, ऐसे चक्कर देते देते ना छूट जाएगा नीचे या गिर जाएगा जो है जी। तो इसमें बड़ी जो है बारीकियां से पतंग बनाने में जी। हाँ, ये फर्स्ट के बहुत, ये पतंग फर्स्ट के बहुत अच्छी लड़ेगी ढील से। हाँ हाँ, फर्स्ट के भी लड़ेगी, इसमें ताकत बहुत ज्यादा। एक अद्धी दिखाएंगे शंकर जी अपनी, एक अद्धी पतंग में, कोई भी एक अद्धी अपनी, तो जो चोर पतंग दिखाई, चोर पतंग की, ये देखिए चोर पतंग, चोर पतंग है इसका। हाँ, इसकी ये हमें आप कुछ दिए, लोग पसंद करते हैं, शाम का टाइम है जी, इसको उड़ा दीजिए जी, तो आप देखेंगे, पूछ देखेंगे, ये मुंडा देखेंगे हाँ, लोगों को समझ में पतंग है, उसको जरा सा ऐसे नीचे से उठा के ऐसे ढीलेंगे, उसके समझ में नहीं आएगा कब कट गया, समझ में नहीं आएगा इसको, ये चोर पतंग है, ये हम नहीं बनाते हैं। इसने थोड़ा भामी आपसे बनवाए थे, कुछ पीस बनवाए थे, हमारा पतंग काट दिया। अच्छा, काटा। और शंकर जी, एक लास्ट ईयर में आपसे पूछना चाहेंगे हाँ, कि इससे मार्केट में बहुत ज्यादा चाइना मंजा बिक रहा है हाँ, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? उसके ऊपर कहना चाहेंगे चाइना मंजा तो पहले बंद होना चाहिए, अभी 7 साल की लड़की का भी चाइना मंजा जो इसने जो मतलब बनाया, यह इतना मजबूत बना दिया कि यह टूटता नहीं जी, पैर में फंसेगा, काट देगा,
जो है पतंग कट गई तो लोग डोर लूटेंगे, उससे जो है मतलब खींच रहा है तो हाथ में फंसेगा तो हाथ काट देगा। या चाइना मंझा जो है मतलब हिंदुस्तान से बंद हो जाना चाहिए और डोरे का जो है मंझा यह चलना चाहिए। या चाइना मंझा अगर वो बनाता है तो कमजोर बना दे ताकि अगर किसी के पैर में फंसता है या हाथ में फंसता है तो इसे टूट जाए। ये तो गलत बनाता है ना, क्योंकि हमारे अभी हमारे जो है बनारस में जो वो एक लड़की का गला कट गया साइकिल से जा रही थी, इसलिए अभी हमारे बनारस में बहुत जो है इसको जो है बहुत पुलिस जो है विरोध कर रहा है। अच्छा संकट जी एक लास्ट ये पूछ रहे हैं, अगर जैसे कि आप तो पतंग इतनी क्वांटिटी बना नहीं पाते कि बहुत ज्यादा बेच पाए किसी को, ठीक है, अगर हमारे बनारस का कोई अगर आपसे पतंग लेना चाहे मतलब आपसे बहुत रिक्वेस्ट करे तो आप क्या उन्हें पतंग दे देंगे? मतलब कुछ भी पतंग नहीं, हम पतंग नहीं दे सकते, हमारा पतंग बनाने के पहले जो है सब बिक जाता है, कहने का मतलब छह महीना एक एक साल अठ महीना से जो लिखाएंगे हमारे यहाँ। अच्छा। हमारा एक तरीका है, अगर पतंग का ऑर्डर देंगे तो 10 रुपया लेते हैं, 10 रुपया लेके उसका जो लिखते हैं अपने कि उसका डेट दे देंगे कि 3 महीने में फला फला तारीख को पतंग मिलेगा, ठीक उसी समय दे देना है। अगर कोई इमरजेंसी में बाई चांस आ गया जो है तो बना दिया जाता है, लेकिन दिक्कत होता है। शंकर एक बार अपना एड्रेस बता देंगे अगर कोई आपके बनारस के कोई यहाँ पे अगर कोई एड्रेस भी बता दे अगर यहाँ कोई पहुँचना चाहे तो जी बता दीजिए। तो हमारा नाम है राम शंकर वर्मा जी, 3/42 जी शिवाला वाराणसी जी, और हमारे भतीजे का जो है बिंदी का कारखाना है, अगर दिलीप कुमार नाम है जी, अगर यहाँ कोई दिलीप कुमार भी पूछेगा जी तो बिजली का कारखाना है जी, उससे भी पता चल जाएगा। शिवालय में आने शिवालय में इमाम बाड़ा जो आपने बताया था, हाँ इमाम बाड़ा, अरे उस शिवाला सड़क पर किसी से पूछेंगे शंकर पतंग वाले कौन है जी, तो वो लोग जो है मतलब तुरंत जो है मतलब की बता देंगे, आप पहुँचा भी देंगे जी। हाँ तो अब हमारे यहाँ जब लोग ऑर्डर देते हैं चिट्ठी छह महीना मतलब हम बनारस में पूरा नहीं कर पाते हैं, और फिर बाहर से भी आते हैं, बाहर हमारी पतंग चली गई जाती है। आपने हमें कुछ पतंग बना के दिया था, वो एक मिरठ जा रही है, किट्टू भाई हैं, उनके लिए जा रही है, मतलब बहुत दिन से हमने ऑर्डर दिया था तो आपसे उधर भी हम आके ले गए थे। अगर जैसे आपसे मतलब बना जैसे बहुत ज्यादा कोई अगर आपसे रिक्वेस्ट कर दिया कि हमें मतलब कोई बाहर का कोई रिक्वेस्ट कर दिया मतलब बनारस के बाहर का, तो उनके लिए क्या मतलब उनके लिए बनाएंगे भाई? अब ये है कि उधरी दूर वो रहते हैं, कहते हैं भाई उनको खुदा के ले जाना पड़ेगा, बनवा दीजिए, बना देते हैं उनका, ऐसी बात नहीं है कोई जो है। हाँ रेट उठ है हमारे पतंग की 20 रुपया रेट है जी, सादा पतंग का जी, सादा पतंग का 20 रुपया रेट है, अगर हम डिजाइन बनाएंगे जी 25 रुपया रेट हो जाएगा जी, और रह गया कि जो 50, 100, 70, 80 का जो पतंग पहुँचियाँ लोग बनाते हैं बरेली वाले और लखनऊ वाले जी, वो सब पतंग हम नहीं बनाते जी। हाँ क्योंकि लेने वालों के पास जो सोचते हैं कि हमारा पैसा बचे जी, और उसमें खासियत क्या है, अरे थोड़ा डिजाइन ये बहुत सा बना देंगे, बहुत से लोग डिजाइन वाली पतंग अगर उड़ाएंगे तो जोर टूट भी जाता है, ज्यादा जोर है मेन पतंग उड़ती है वो प्लेन उड़ती है, नहीं डिजाइन का पतंग या सादा पतंग रहेगा जी उससे डोर नहीं टूटेगा जी, डोर जो है मतलब पतंग का जानदार पतंग रहेगा, कमानी डंडा डोर तगड़ा डोर नहीं बोले पतंग का जोड़ मतलब उसका खुल जाएगा, जोर खुल जाएगा, ज्यादा डिजाइन वाली पतंग रहेगी, मेरे पतंग की जोड़ नहीं खुल, नहीं आपकी नहीं बोले सिर्फ ज्यादा डिजाइन वाली रहेगी, वो तो अगर लंबी डूडी पे जोड़ खुलने का डर रहता है, नहीं वो हमारा पतंग नहीं, बहुत सा डिजाइनदार हम नहीं बनाते, थोड़ा बहुत डिजाइन बनाते हैं ना, हम ज्यादा टिकिपा नहीं करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं है, फिर वो लोग पतंग जो है देखते हैं कि बड़ा ट्यून है, बड़ा डिजाइन है, सांप है, बिच्छू को बना देते हैं, बनाने को हम भी बना देंगे लेकिन हमारे बनाने में कोई पैसा नहीं देगा, अगर अगर में 10 पतंग बनती है जी हमसे जी, और 10 पतंग बना के बोलिए खाना मिलेगा क्या, लेकिन क्या है नाम नाम कमाए है, नाम कमाए जी, पैसा नहीं कमाए पतंग। अगर शंकर ज्यादा अगर कोई बाहर से मतलब आपसे पतंग के लिए बोलता है तो वो उसको खुद आके ले जाना पड़ेगा पतंग ना, तो भेज तो पाएंगे? हाँ ऐसा है कि बाहर तो आप पहुँचा नहीं सकते, ऑर्डर देंगे तो उनको हम टाइम दे देंगे जी, आप आ जाइए उस समय, आप आके ले जाइए, यहाँ अगर यहाँ कोई ऐसे सज्जन है जाने वाले है मान लीजिए कहीं भी जी दे सकते हैं जी। ठीक है दोस्तों मैं वीडियो बंद करता हूँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका, ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।